जी दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम है राइडन और आज आपके लिए लेके आए हैं मुशुका टेंसर चैप्टर 54 का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा और हमें कमेंट्स में बताएगा कि आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहेंगे कि नहीं। और तो और, आपको इस चैप्टर के बारे में कैसा लगा। इसी के साथ साथ हमारे चैनल पर बाकी वीडियो चेकआउट करना ना भूलिएगा। और तो और, हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट भी लाइव है तो प्लीज़ हमें फॉलो करिएगा। इसके साथ अब चलते हैं वीडियो पे। जी दोस्तों, चैप्टर 52 के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि रूडियस और एनालिस अब अपनी जर्नी के लिए यहाँ से निकल रहे हैं और रूडियस अपने पार्टी मेंबर्स को बाय कर रहा है। यहाँ पर हम कैरेक्टर देखते हैं जिसका नाम है ज़ोलडार्ट। ज़ोलडार्ट रूडियस का कच्चा दोस्त है और उसने रूडियस काफ़ी मदद करी थी जब वो डिप्रेशन में था एरिस के उसे छोड़ के जाने के बाद। इसके बाद हम देखते हैं कि रूडियस अपने आप से कह रहा है कि इस ज़िंदगी में उसके पास दोस्त हैं जिनसे वो वापस मिलना चाहेगा और कि वो और पेन और रिजेक्शन नहीं सहना चाहता। इसके बाद हमें कट करके दिखाया जाता है कि रूडियस और एनालिस अब रनोवा मैजिक यूनिवर्सिटी के अंदर हैं और यहाँ पे वो लोग यूनिवर्सिटी के चांसलर और वाइस चांसलर से मिल रहे हैं और अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। वाइस चांसलर फिर रूडियस को बताता है कि ये यूनिवर्सिटी मैजिक को छोड़ के भी और भी बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स ऑफ स्टडी कवर करती है और तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स भी आते हैं, जैसे कि डीमन रेस के लोग या फिर बीस्ट रेस के लोग या फिर नोबल्स जो अपनी जान बचा के भागे हैं या फिर नोबल्स के बच्चे जिन उनके माँ बाप अब चाहते नहीं हैं। लेकिन जब तक वो लोग पढ़ना चाहते हैं और उनके पास ये कैपेसिटी है मैजिक के लिए, तब तक रनोवा मैजिक यूनिवर्सिटी उन्हें एक्सेप्ट करेगी। ये सुनने पर रूडियस पूछता है कि क्या वो लोग मेंटल हेल्थ के सब्जेक्ट भी कवर करते हैं कि नहीं। चांसलर फिर रूडियस को बोलता है कि मेंटल हेल्थ एक बहुत ही ऑब्स्क्योर टॉपिक है जो ज़्यादा लोग पढ़ते नहीं हैं और यहाँ पर भी वैसे लोग बहुत कम हैं। फिर रूडियस बोलता है कि वो इस यूनिवर्सिटी में एनरोल करना चाहेगा। वाइस चांसलर फिर बोलता है कि उससे पहले वो लोग एक छोटा सा टेस्ट लेना चाहेंगे, एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देखने के लिए कि रूडियस के बारे में उन लोगों ने जो चीज़ें सुनी है वो सच हैं कि नहीं। जिसके बाद वो लोग रूडियस और एनालिस के साथ एक दूसरे बिल्डिंग में जाते हैं। यहाँ पर हमें फिट से इंट्रोड्यूस करा जाता है जिसे आप और मैं एक दूसरे नाम से जानते होंगे, सिल्फी। रूडियस फिर अपने आप को सिल्फी से इंट्रोड्यूस करता है या फिट से इंट्रोड्यूस करता है, जिसके बाद वाइस चांसलर उन दोनों को इस मैजिक सर्कल के अंदर खड़ा होने के लिए कहता है। जिसके बाद वाइस चांसलर रूडियस को बताता है कि ये एक सेंट क्लास का हीलिंग सर्कल है और कि अगर रूडियस को इसके अंदर छोटी मोटी चोटें लग भी गई तो वह अपने आप से ठीक हो जाएंगी। ये मैजिक सर्कल देख के रूडियस को डिवाइन बीस्ट याद आती है। जब रूडियस को डिवाइन बीस्ट मिला था वो भी एक मैजिक सर्कल के अंदर था और सोचने लगता है कि उसे शायद से मैजिक सर्कल्स को भी स्टडी करना चाहिए। इसके बाद लड़ाई शुरू होने से पहले रूडियस के दिमाग में आता है कि अगर वो ये लड़ाई हार गया तो क्या वो उसकी स्कॉलरशिप वापस लेंगे कि नहीं, और अगर सिचुएशन ऐसी ही बन रही है तो ये बहुत बुरा होगा। इसके बाद वाइस चांसलर लड़ाई शुरू कर देता है। लड़ाई शुरू होते ही रूडियस डिसरप्ट मैजिक यूज़ करता है जिसकी वजह से फिट्स अपना मैजिक यूज़ नहीं कर पाता। ये देख के फिट्स थोड़ा सरप्राइज होता है, जिसके बाद रूडियस अर्थ मैजिक की मदद से फिट्स को हरा देता है। हारने के बाद फिट्स रूडियस से पूछता है कि उसने करा क्या। रूडियस फिट्स को बताता है कि उसने डिसरप्शन मैजिक यूज़ करा था, जिसके बाद रूडियस फिट्स का शुक्रिया अदा करता है उसके साथ एक मैच रखने के लिए। इसके बाद वाइस चांसलर रूडियस को बताता है कि वो उसकी डेमोंस्ट्रेशन से बहुत ही इंप्रेस्ड है और कि रूडियस फ्लाइंग कलर्स के साथ पास हुआ है। अब एकेडमी में इनरोल होने के बाद रूडियस एक असेंबली अटेंड करता है जहाँ पे हम एरियल से मिलते हैं जो आशरा किंगडम की सेकंड प्रिंसेस है। एरियल असेंबली में एक छोटी स्पीच देती है और हमारा चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा और हमें कमेंट से बताएगा कि आप और क्या क्या देखना चाहेंगे हमारे चैनल पर। इसी के साथ साथ हमारे चैनल पर बाकी वीडियोस चेकआउट करना ना भूलिएगा। और तो और, हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट भी लाइव है तो प्लीज़ हमें फॉलो करिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।